हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम हैं आज यहाँ पे ताल छापर में। सुबह के 9 बजे हैं, आसमान में बादल हैं, इसलिए सूर्योदय तो हम नहीं देख पाए। ठंडी हवा चल रही है, बहुत कम टेम्परेचर है। ये आता है राजस्थान के चूरू ज़िले में, और चूरू ज़िला नॉन हिमालयी क्षेत्रों में सबसे ठंडा ज़िला होता है। यहाँ पे शीतलहर ज़बरदस्त चलती है, इसी तरह से गर्मियों में भी सबसे गर्म चूरू ही होता है। 50 डिग्री से भी ऊपर इसका टेम्परेचर पहुँच जाता है, बहुत ज़बरदस्त ठंड है। अभी हम चलेंगे नाश्ता करने के बाद ताल छापर सेंचुरी के अंदर। वहाँ पे हम 2 राउंड लगाएंगे, पहला राउंड 2-3 घंटे का होगा। उसके बाद लंच करने यहाँ पे आएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, और उसके बाद शाम को फिर चले जाएंगे। उम्मीद है शाम तक बादल हट जाएंगे तो हमें वहाँ से ताल छापर सेंचुरी के अंदर से सनसेट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाई, नाश्ता करने चलते हैं। तेल ही कौन खाए? हाँ। अल फोटो खेल तो मैं आगे बे तो कुछ लागू मैं पूछी कौन? कौन लागू बे? जग रहे कौन चलो? आदमी तो दूसरे वो दूसरे दिखे चौकोड़ मारो कहीं। और ये बैठ गए हम गाड़ी में। हाँ, ना कोई बात नहीं। क्या? अब चल रहे हैं हम सेंचुरी की तरफ। मौसम तो ऐसा ही है, बादल रहेंगे, धूप है नहीं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अच्छा, तो हम चलते हैं। ये जो है इजिप्शियन वल्चर है। यहाँ पे एक मरी हुई गाय पड़ी हुई है, उसकी वीडियो हम आपको नहीं दिखाना चाहते, तो उसकी वजह से वल्चर यानी गिद्ध यहाँ पे आए हुए हैं। पीली चोंच वाले हैं और अच्छे लग रहे हैं। गिद्ध नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? वल्चर माने गिद्ध हो वे। क्या होता है गिद्ध? ईगल को बोलते हैं। ईगल बाज होता है, और वल्चर मतलब गिद्ध होता है। ये जो सामने है ना, ये गिद्ध, इजिप्शियन वल्चर, इजिप्शियन गिद्ध। मेरा कैमरा उतना शक्तिशाली नहीं है, केवल 40 गुना ऑप्टिकल जूम है। और इस तरह से सेंचुरी के अंदर, नेशनल पार्कों के अंदर घूमने के लिए आपके पास बहुत अच्छे जूम का कैमरा होना चाहिए। बर्ड वाचिंग के लिए ये कैमरा उतना अच्छा नहीं है। कैनन का है SX 740 HS, 40 गुना जूम है।
लेकिन बर्ड वाचिंग के लिए ये उतना इफेक्टिव नहीं है, इससे ज़्यादा जूम हमें चाहिए। हाल मत यार, दो फोटो तगड़े बन गए, ब्लर दिख रहा है यार। वो लकड़ी का ही मिला रहा है, ये इस पर कोई पक्षी बैठा हुआ है, चलिए देखते हैं क्या है। ये है झापो ब्लैक ड्रोंगो। बर्ड वाचिंग में, बर्ड वाचिंग के लिए आपके पास होना चाहिए अच्छे जूम का कैमरा, ज़बरदस्त जूम का। हमारे पास वो है नहीं। ये देखिए पेड़ के ऊपर कौन सा बैठा हुआ है, ये है जी इंपीरियल ईगल, इंपीरियल ईगल। अच्छा सर, आज हमने सुबह से कौन कौन से पक्षी देखे हैं? सुबह से हमने देखे, पहले देखे थे इजिप्शियन वल्चर्स गौशाला में, उसके बाद हमने उसके जुवेनाइल देखे, फिर हमने सैंड ग्राउस, चेस्टनट बेलिड सैंड ग्राउस देखे गौशाला में, उसके बाद हम गए थे लॉन्ग लेग बजर्ड देखा हमने, मॉल पेसरिन बर्ड्स देखे, सदर्न ग्रे स्राइक थी, बेबेक स्राइक थी, जेबलिन वीटियर थी, लैगर का पैर देखा, तो टोनी ईगल को फ्लाइट में देखा, डेजर्ट जर्ड देखे, केस्ट्रल देखा कॉमन, स्पॉटेड आउलेट देखे। आफ्टरनून में हमने सेंचुरी के अंदर आने के बाद काफ़ी ईगल्स देखे हैं, उसमें स्टेपी ईगल है, टोनी ईगल है, इंपीरियल ईगल है, फ्लाइट में मोंटेगूज हैरियर देखा, ग्रे फ्रेंकोलिन और क्रेस्टेड लार्क देखे, कॉमन क्रेंस हमने फ्लाइट में ऊपर उड़ते हुए देखा, उसके बाद हमने पैलिड हैरियर देखा, ब्लैक विंग काइट देखा, स्टिल्ट्स देखे और फिर हमने बहुत से ब्लैक बग देखे। अच्छा, आपको इतने सारे पक्षियों के नाम याद हैं, कैसे अपनी कैसे याद रहे, कैसे? ये शुरू में थोड़ा आपको स्टडी करना पड़ता है बेसिक्स की, बर्ड्स इधर जैसे ताल छापर फेमस है बर्ड्स ऑफ प्रे के लिए, यहाँ पे सारे शिकारी पक्षी आते हैं जो विंटर माइग्रेशन के लिए इधर रुकते हैं, और कुछ रेजिडेंट्स भी हैं जैसे लाइगर फाल्कन है, टोनी ईगल है, तो वो पूरे साल यहीं पे रहते हैं, यहीं पे रहते हैं। यहीं ताल छापर में आप बर्ड वाचिंग के साथ साथ बहुत कुछ और वाचिंग भी कर सकते हो, जंगली सुअर वाचिंग और ब्लैक बक वाचिंग। ब्लैक बक तो है ही इसका नाम, ताल छापर ब्लैक बक सेंचुरी, और नील गायें भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आज हमें ज़्यादातर तीतर देखने को मिल रहे हैं, तीतर, तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर।